गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया कैसे बीटा फैक्टर को एनालाइज करके आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे एक बीटा फैक्टर को एनालाइज करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा बीटा फैक्टर को एनालाइज करते समय कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। बीटा फैक्टर एक बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया वो रफली आइडिया देता है एक पर्टिकुलर स्टॉक में रिस्क परसेंटेज कितना है या फिर एक म्यूचुअल फंड में रिस्क परसेंटेज कितना है। लेकिन बीटा फैक्टर तभी इफेक्टिव ज़्यादा होता है जब एक पर्टिकुलर स्टॉक का जो पास्ट है और जो प्रेजेंट है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, यानी कि किसी कंपनी ने उस पर्टिकुलर स्टॉक की कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च नहीं किया है, कोई एक्सपांशन नहीं किया है, साथ ही में कंपनी के कोई मैनेजमेंट चेंजेस नहीं हुआ है, कोई बोनस डिक्लेयर नहीं हुआ है, कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है रीसेंट सिनेरियो में, तब जाके आप बीटा फैक्टर को ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। जब एक कंपनी ने इन फैक्टर्स में से किसी भी एक फैक्टर को लॉन्च किया है, जैसे एक्सपांशन किया है या फिर प्रोडक्ट लाइन लॉन्च किया है या फिर एक डिविडेंड दिया है, बोनस दिया है, तो बीटा फैक्टर एनालाइज करना प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा और जब स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो बाय डिफ़ॉल्ट बीटा फैक्टर भी हाई हो जाता है। तो बीटा फैक्टर को प्रॉपरली एनालाइज करने का एक ही तरीका है, जो कंपनी का जो पास्ट था और जो प्रेजेंट है उसमें ज़्यादा करके ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, ये आपको ध्यान में देना है। और साथ ही में बीटा फैक्टर टोटली उस पर डिपेंड नहीं रहना है, बाकी सब फैक्टर्स को भी आपको प्रॉपरली एनालाइज करना है एक पर्टिकुलर स्टॉक या फिर एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय। आने वाले वीडियोस में और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपका जो एसेट एलोकेशन है वो बहुत आसानी से हो जाए। थैंक यू।